लिसनिंग में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको याद रखना होगा कि स्पीकिंग में अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आपको ये टिप फॉलो करनी बहुत। हाय एवरीवन, इट्स मी जय एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आइल्स। आइल्स एक ऐसा एग्जाम है जो कि सिर्फ आपकी इंग्लिश टेस्ट करता है या आपका इंटेलेक्ट बिल्कुल नहीं टेस्ट करता, और ये एक रिक्वायरमेंट है फॉर गेटिंग द कैनेडियन वीज़ा। चाहे आप उसके स्टूडेंट वीज़ा की बात करो, चाहे लेटर ऑन पीआर की बात करो, तो ये सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आइल्स एग्जाम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ऐसे एग्जाम नहीं है जो कि सिर्फ इंटेलिजेंट लोग क्लियर कर सकते हैं, ये हर कोई क्लियर कर सकता है। आपको सिर्फ एक रेगुलर प्रैक्टिस, एक रिगर चाहिए, और आपको हमेशा याद होना चाहिए कि आप एग्जाम क्यों दे रहे हैं। आइल्स के पर्सनल एक्सपीरियंस बात करूँ तो मैंने दो बार दिया। फर्स्ट टाइम मैंने दिया था फॉर एकेडमिक्स, जो 8.5 था मेरा बैंड, और उसके बाद मैंने जनरल दिया था विच वॉज अगेन 8.5। जनरल मैंने इसलिए दिया था कि मैं पीआर दे सकूं, और इसके अंदर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी हेल्प किया हुआ है जिसका खुद का 8 बैंड आया था। तो आई कैन डेफिनेटली से अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे और ये सारे टिप्स फॉलो करेंगे तो वेरी अनलाइकली आप 7 बैंड से कम नीचे लेकर जाएं, आप 7 एंड अबव जरूर स्कोर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली डिफरेंस, आपको एग्जाम बहुत पीसफुली और कामली देना है, क्योंकि एक रिसेंट रिसर्च हुई थी जिसके अंदर बताया था कि अगर आइल्स के एग्जाम के अंदर आप पीसफुली और कामली जाके एग्जाम देते हैं वर्सेस अगर आप रश या टेंशन के अंदर एग्जाम देते हैं तो एक बैंड का डिफरेंस आ सकता है। अब मुझे आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका 6 बैंड आ रहा है वर्सेस आपका 7 बैंड आ रहा है तो उसमें कितना डिफरेंस हो सकता है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए, हमें हमेशा पता होना चाहिए व्हाई वी आर गिविंग आइल्स, ये हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। उसके बाद आपको बस प्रिपरेशन करनी है और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देना है। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। आइल्स के 4 सेक्शन होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। इसके अंदर लिसनिंग के अंदर आपको 8 बैंड लाना है और बाकी सबके अंदर 7-7-7 ला सकते हैं अगर आप जनरल का एग्जाम दे रहे हैं, तो लिसनिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसके अलावा जो स्पीकिंग होता है वो जनरली एक अलग एग्जाम होता है, एक अलग इन्विजिलेटर आता है, और वो मे बी सेम डे हो सकता है या किसी और दिन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप एग्जाम का स्लॉट कैसे लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिसनिंग बारे में। लिसनिंग सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी सेक्शन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अक्सर आपको इसमें ज्यादा स्कोर करना होता है, और इजी इसलिए क्योंकि इसमें आप जितने ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी। फर्दर इसके अंदर कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, तो अगर आपका आंसर सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका आंसर सही नहीं है तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, उसके लिए आपको ऑनलाइन कंटेंट वॉच करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप इंग्लिश कमेंट्री वॉच कर सकते हैं, इंग्लिश मूवीज वॉच करते हैं, और स्टार्टिंग में सबटाइटल्स लगाइए ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि मैं भी सबटाइटल्स लगाता था, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करोगे आप उनकी फ्लुएंसी और टोन को समझ पा रहे हो, और फिर आपको समझ आ जाएगा कि ओके मुझे सबटाइटल की जरूरत नहीं है। सेकंडली इसमें आपको क्या मॉनिटर करना है कि अगर आपका स्कोर 35 से नीचे आता है मॉक टेस्ट में तो आपको एक से ज्यादा मॉक टेस्ट रोज देने हैं, और अगर आपका स्कोर उससे ज्यादा आता है तो आपका रिलेटिवली एक मॉक टेस्ट से काम हो जाएगा। लिसनिंग के लिए गोल्डन टिप, लिसनिंग में अक्सर आपको एक डायरेक्शन रिलेटेड पैसेज आता है जिसमें वो चेक करते हैं आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डेफिनेशन पता है। आपके रेफरेंस के लिए नॉर्थ मतलब ऊपर, साउथ मतलब नीचे, ईस्ट मतलब राइट, वेस्ट मतलब लेफ्ट, ये नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट इनका कॉम्बिनेशन भी बना के दे सकते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो पब्लिक ट्रांजिट होता है बसेज या ट्रेन वो नॉर्थ बाउंड, साउथ बाउंड, ईस्ट बाउंड, वेस्ट बाउंड ऐसे होती हैं, तो अगर आपको डायरेक्शन की सेंस नहीं होगी तो आप अक्सर अपना ट्रांजिट मिस कर सकते हैं। बट कमिंग बैक टू आइल्स, आइल्स के अंदर इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये पूरा सेक्शन है और आपको इससे लिसनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप एक जगह भी मिस कर गए तो आपके नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चन भी खराब हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है जिसमें आप ये क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, और प्लीज इसको बहुत पक्के से करके जाना। अब बात करते हैं अबाउट स्पीकिंग। स्पीकिंग वन ऑफ द मोस्ट नॉन फेवरेट सेक्शन है, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि एक तो ये बहुत अलग दिन होता है, एक अलग इन्विजिलेटर होता है, इसमें 1-to-1 आप डिस्कशन कर रहे होते हैं। इसके अंदर इन्विजिलेटर आपकी फ्लुएंसी, वोकैबुलरी और ग्रामर चेक कर रहा होता है। इसका सक्सेस मंत्र यही है कि आप जितने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के ऊपर रीड करेंगे, आप खुद स्पीक करेंगे, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके उसको सुनेंगे, उतना ज्यादा सक्सेस होने का चांस है। और इसके अलावा यहाँ पे 3 की टिप्स है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप 7 or 7.5 से ऊपर स्कोर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने खुद भी फॉलो की थी, वो एक पार्टनर होना चाहिए। आपने अपने भाई बहन, मम्मी पापा, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड किसी को भी बिठा सकते हो जिनकी इंग्लिश इतनी होगी वो आपको प्रूव कर सके, आपके मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर सके। उसके बाद साइमल्टेनियसली आपको अपने फोन पे या किसी चीज पे रिकॉर्ड करना और अपनी इंग्लिश खुद भी सुननी, और अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है और उनको अगले टाइम रिपीट नहीं करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट टिप है वोकैबुलरी। तो आपको नए वर्ड सीखने चाहिए, आपको उनका एप्लीकेशन सीखना चाहिए, और आपको इतना यूज करना चाहिए कि वो पार्ट ऑफ योर नॉर्मल इंग्लिश लगे। नए वर्ड से मेरा मतलब है कि आपको रेगुलर वर्ड्स नहीं यूज करके थोड़े से सोफिस्टिकेटेड यूज करने हैं, जैसे पॉइंट टू की जगह आप एल्यूड टू यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रेज और इडियम्स यूज कर सकते हैं, जैसे यूजिंग योर एल्बो ग्रीस। ये तब यूज होता है कि अगर आपने इतनी मेहनत करी, आप कह रहे हो कि मेरी पूरी एल्बो ग्रीस यूज होगी उसके अंदर, तो ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। एक वर्ड ऑफ कॉशन कि आपको प्लीज गलती से भी हर वर्ड को हर जगह यूज मत करना स्टार्ट कर देना, वरना अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज करोगे कोई चीज तो इंटरव्यू में उसका नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा। थर्ड टिप, एक्चुअली हमें फेक एक्सेंट अवॉइड करना चाहिए। ये प्रॉब्लम बहुत कम लोगों में होती है, बट अक्सर लोग जब इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो थोड़ा सा एक्सेंट भी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो एक्सेंट आपके ऊपर नॉर्मल लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप वो एक्सेंट जबरदस्ती फेक कर रहे हो तो आपको खुद भी पता चल जाता है और इन्विजिलेटर को भी समझ आता है, तो उससे आपका स्कोर अगेन हिट लेगा। और दूसरा क्या होता है कि जब आप फेक एक्सेंट मार रहे होते हो तो आपका सारा ध्यान एक्सेंट में होता है, ना कि आपकी इंग्लिश में। तो अगर आपकी इंग्लिश एक चीज की वजह से इंपैक्ट हो रही है तो हमें बेटर है कि हम एक्सेंट कनाडा जाके सीख लेंगे, बट अभी हमें अपनी सिर्फ इंग्लिश और उसकी फ्लुएंसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब
बात करते हैं राइटिंग के बारे में, ये भी एक वन ऑफ द नॉन फेवरेट सेक्शंस है, क्योंकि इसमें साफ काफी कुछ आपके इन्विजिलेटर पर डिपेंड करेगा उसको आपकी इंग्लिश पसंद आई या नहीं आई। इसमें वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, वोकैबुलरी और काफी चीज़ें और भी टच करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें होती है कि इसमें अक्सर लोगों का स्कोर 6.5 के आसपास आया था और वो 7 नहीं टच कर पाते हैं, वो रीवैल्यूएशन में भी भेजते हैं बट फिर भी कोई बेनिफिट नहीं होता। तो इसमें कुछ टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप 7 से अबव स्कोर कर सकते हैं। राइटिंग में हमेशा आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करनी है, वो स्ट्रक्चर सिर्फ आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, हो सके तो अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिए और साथ में वो रेलिवेंट पॉइंट्स जो आप अपने आर्टिकल या पैसेज में डालने वाले हैं। अब स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से मेरा क्या मतलब है, स्ट्रक्चर से मेरे मतलब है आपको सिर्फ 4 पैराग्राफ्स बनाने हैं, आपको उसमें 5-6 या 2-3 ऐसे नहीं बनाने, एग्जैक्ट 4 पैराग्राफ्स बनाने हैं। और उन 4 पैराग्राफ्स में आपने क्या लिखना है, लेट्स सपोज आपको आया कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपको दो देने हैं और आपको कहा कि डिसाइड करिए कौन सा ज्यादा बेटर है, तो आपको सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के बारे में बताना है, जिसमें आप बताएंगे इनका बैकग्राउंड कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या चीजें हैं। नेक्स्ट आप बताएंगे ऑप्शन ए के बारे में सेकंड पैराग्राफ के अंदर, उसके अंदर उसके फॉर अगेंस्ट सब कुछ आप लिखेंगे। थर्ड पैराग्राफ में आप ऑप्शन बी के बारे में फॉर अगेंस्ट सब कुछ लिखेंगे और लास्टली जब आप कंक्लूजन में आएंगे तो आप सेकंड और थर्ड पैराग्राफ के बेसिस पे बताएंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है और क्यों। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आपको यही कहेंगे कि नहीं, जो कंक्लूजन पैसेज होता है उसमें आपको कह देना कि ऑडियंस खुद डिसाइड कर सकती है ऑप्शन सेकंड और थर्ड पैराग्राफ के बेसिस पे कि ऑप्शन ए अच्छा है ऑप्शन बी, बट ये पैराग्राफ आपके इंटेंट से लिखा जा रहा है, आपके एंगल से लिखा जा रहा है, तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपना ओपिनियन देना है। अगर आप एक ओपिनियन देंगे तो उनको ये समझ आएगा कि आप सिर्फ चीजें बताते नहीं है बट उनके बेसिस पे एक जजमेंट भी फॉर्म कर सकते हैं और वो जजमेंट का रीजनिंग क्या है वो आपको लास्ट पैराग्राफ में देना है। आप ये अप्रोच फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप 7 और 7.5 से ऊपर लेंगे। अलॉन्ग विद दिस आपको अच्छे फ्रेजेस और idioms यूज करने हैं जो कि आप फिर स्पीकिंग के अंदर भी रेप्लीकेट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट रीडिंग, रीडिंग एक बहुत सिंपल सेक्शन है, इसके अंदर मैंने 9 स्कोर किया था, मेरे सारे आंसर्स करेक्ट थे और इसमें आप भी इजिली 9 तक स्कोर कर सकते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इंप्रूव करेगा। इसका सक्सेस मंत्र यही है कि आपको रोज एक प्रैक्टिस टेस्ट देना है, अगर आप 35 से ऊपर स्कोर करें तो एक बहुत है, अगर आप उससे कम स्कोर करें तो आपको 2 टेस्ट देने चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक नया पैसेज उठाना होता है, उसको रीड करना होता है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करना होता है, बट मैं इसमें एक अलग अप्रोच फॉलो करता हूं। मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस रीड कर लीजिए और फिर पैसेज में जाइए ताकि आपको जैसे ऐसे आंसर मिलते जाए आप उनको टिक करते चले जाएं। सेकंडली रीडिंग के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, रीडिंग में अक्सर लोग इतना स्लो रीड करते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस नहीं कंप्लीट कर पाते और उसका रीजन ये होता है कि उन्होंने इनफ प्रैक्टिस नहीं की होती। अब प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मॉक टेस्ट करते जाएं, बट आप बहुत ऑनलाइन कंटेंट पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं, उससे आपको नए नए टॉपिक्स के बारे में चीजें समझ आएंगी और आपकी स्पीड भी इंप्रूव करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रीडिंग स्पीड काफी एक्यूरेट हो, प्लस आप जब भी एग्जाम दें हमेशा एक टाइमर लगा के वो एग्जाम दें, कोशिश करें कि वो टेस्ट को पूरा कंप्लीट करें ताकि अगर आप पूरा टेस्ट कंप्लीट कर पाएंगे तभी आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स लास्ट में जाते जाते एक इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि अगर आप जितना कामली और पीसफुली एग्जाम देंगे तो आप 1 से 1.5 मिनट ज्यादा स्कोर करेंगे और उसका मंत्र है कि आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस और इनफ प्रैक्टिस करके इस एग्जाम में जाएं। अगर आपको इसके अलावा कोई और डीप में डिस्कशन चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज डालिएगा और अगर आपने 1000 से ज्यादा व्यूज अबाउट दैट टॉपिक दिए तो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, मैं और भी ऐसे एंगेजिंग कंटेंट बनाता रहूंगा विच वुड डेफिनेटली हेल्प यू टू मेक इट टू कनाडा। टेक केयर।